साहब ने बिल्कुल वाजे अल्फाज में, स्पष्ट अल्फाज में ये कहा है कि मीरवाइज पे कोई पाबंदी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि 3 साल से मुझे बंद क्यों रखा गया है। सकते हैं आप हमें कम से कम, नहीं आप हमें नहीं रोक सकते हैं, कम से कम बाहर आप मुझे इजाजत नहीं है बाहर जाने की, है कि नहीं है? यहाँ पे हालात बड़े बेहतर हैं, लोग बड़े खुश हैं, तो लोग खुश हैं तो हमें भी जाने दीजिए, हम भी लोगों की खुशी में शामिल हो जाएंगे। जमात बनने जा रहा हूँ तो आप खुद क्यों रोक रहे हैं? आपने तो बाज़ाब्ता ये ऐलान किया है कि मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है और मीरवाइज आए जामे मस्जिद नमाज पढ़े, कम से कम आवाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो बंदिशें क्यों हैं, रुकावटें क्यों हैं? इसका सिक्योरिटी रिव्यू हो रहा है सर अगले? सिक्योरिटी रिव्यू तो ठीक है, देखे ना, मैं 3 साल से बंद हूँ, मुझसे 3 साल से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा मनसब खाली है, जामे मस्जिद का मेम्बर मेहराब आप लोगों ने खामोश कर दिया है। ऐसा क्या मैं कह रहा हूँ कि मुझे फिलहाल नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दें, और मैं और उसके बाद ही कह रहा हूँ कि जब आपके हाईएस्ट लेवल पे आपका बयान आया है, गवर्नर साहब ने बिल्कुल वाजे अल्फाज में, स्पष्ट अल्फाज में ये कहा है कि मीरवाइज पे कोई पाबंदी नहीं है, वो जब जाना चाहें जामे मस्जिद जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि भाई जो हमारे लोग दाएँ बाएँ उनके हैं वो तो फैसिलिटेट करेंगे उनका जाना, तो अगर आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, यही फैसिलिटेट है कि आप हमें रोक रहे हैं। देखिए हम कोई हंगामा नहीं, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा सर, तो देखिए हम कोई हंगामा नहीं चाह रहे, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हमने कोई यहाँ लोगों को नहीं बुलाया है, हमने कोई प्रोग्राम नहीं दिया है कि हम जी निकलेंगे यहाँ से हज़ारों लाखों में लोग निकलेंगे, लोग आए निकलें, मैं सिंपली जाना चाहता हूँ कि मेरा हक बनता है एक शहरी के हवाले से, मेरे शहरी हकूक़ जो हैं वो ताकत के बल पर सल्व कर लिए गए हैं, मेरे बेसिक राइट्स सल्व कर लिए गए हैं, और मुझे पता भी नहीं है कि 3 साल से मुझे बंद क्यों रखा गया है। ये तो बहुत ज़्यादा है आप लोगों की, हम चलना चाहते हैं, आप हमें कम से कम, नहीं आप हमें नहीं रोक सकते हैं, नहीं कम से कम बाहर आप क्यों अथॉरिटी से बात, आप हमें रोक नहीं सकते, कम से कम हमें जाने दीजिए, ये तो जाती है आप लोगों की, आप लोगों का तो बयान आया है, ये तो गवर्नर साहब से ऊपर कौन है, लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, उस बयान के तनाजुर में जो बयान हाईएस्ट लेवल आया है, ये किसी पुलिस का बयान नहीं है, ये किसी जो है वो ब्यूरोक्रेट का बयान नहीं है, गवर्नर साहब ने बहुत जिम्मेदारी से ये बात कही है, बयान के तनाजुर में सिक्योरिटी आवाम वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, आज हमने प्रोग्राम दिया है कि आज मीरवाइज साहब जाएंगे वहाँ नमाज पढ़ेंगे और हम दुआ करेंगे, काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सलम मेरा मनसब है, कम से कम उससे तो नहीं रोकी आप लोग, आप क्यों हमें रोक रहे हैं? और आप तो बयान देखिए एट द हाईएस्ट लेवल आप लोगों का बयान आया है, कम से कम ये तो बहुत ज्यादती है, हम तो ये तो हमारे ये तो बिल्कुल हम ये हमारा बुनियादी हकूक है, एक तो हमारे ह्यूमन राइट्स को आप वायलेट कर रहे हैं और मेरे मजहबी राइट्स को भी वायलेट कर रहे हैं, 3 साल से मैं अपने घर में नज़रबंद हूँ, महदूद कर दिया गया हूँ, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है, लोगों से नहीं मिल पाता हूँ, कोई मुझसे नहीं मिल पाता है, मेरे जो मेरे करीब लोग हैं जो हमारे उन तक नहीं पहुँच रहा हूँ, पिछली बार भी आपने देखा मेरी नानी का इंतकाल हो गया उस वक्त भी आपने मुझे मज़ार नहीं जाने दिया, मेरे चाचा गुजर गए उस वक्त भी जो है मैं आधे घंटे के लिए आपने मुझे सिर्फ वहाँ से आने दिया और फिर से बंद कर दिया, मैं उस मज़ार पर नहीं जा पाया हूँ, फातिहा नहीं पढ़ी पाया मैंने, बुजुर्ग इतने सारे साथी हमारे गुजर गए इन 3 सालों में, तो अगर मैं आज़ाद शहरी हूँ तो मुझ पर ये बंदिशें क्यों लाई जाती हैं? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमें जाने दें, आप हमें कम से कम नहीं रोकें, देखिए मैं कोई देखिए हम कोई हंगामा नहीं चाहते, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम कोई धक्का धक्का नहीं चाहते, लेकिन एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे इंसानी हकूक क्यों सल्व किए जा रहे हैं, आप काइंडली अपने सीनियर से बात कीजिए, उनको कहिए कि मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे जाने दें, क्योंकि आज हमने कहा है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो मुझे कम से कम जाने दें, आप तो कहते हैं कि भाई सब खुश हैं यहाँ पे, हालात बड़े बेहतर हैं, लोग बड़े खुश हैं, तो लोग खुश हैं तो हमें भी जाने दीजिए, हम भी लोगों की खुशी में शामिल हो जाएंगे, हम पे ये बंदिशें क्यों हैं, हम पे ये जो है ये कदमें क्यों हैं? इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि मुझे जवाब दीजिए, मैं आजाद शहरी नहीं हूँ, मुझे इजाजत नहीं है बाहर जाने की, है कि नहीं है?
बस सिक्योरिटी अगर है तो मुझे लिख के दीजिए, आप लिख के दे दें मुझे कि नहीं जी आपको इजाजत नहीं है, हम आपको यहाँ बाहर नहीं दीव लिखित, मैं भी कोई डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा, अदालत में जाऊंगा, लोगों के पास जाऊंगा कि आप, क्योंकि देखिए ना ये तो आप ये दो बातें कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं मीडिया में, टीवी पे, इवन पार्लियामेंट में भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में ये कहा कि कश्मीर में कोई नज़रबंद नहीं है। अब 3 साल हो गए मुझे यहाँ से, ऑनरेबल गवर्नर साहब ने भी ये बयान मीडिया में दिया कि मीरवाइज साहब खुले हैं, और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक आके वो खुद डिसाइड करें वो क्या करना चाहते हैं। मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए, मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, अपने आवाम से मिलना चाहता हूँ। कम से कम ये तो बहुत ज्यादा आप लोगों की, यहाँ से कह रहे हैं कि नहीं जी आप खुले हैं, यहाँ से कह रहे हैं कि आप बंद हैं। देखिए ये तो ज्यादती है, इस रास्ते ज्यादती है। देखिए हम तो गवर्नर साहब के ही बयान के तनाव में आज बात कर रहे हैं। आप हमें जानते हैं, चलिए बहुत ज्यादती है, आप लोगों की बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। ठीक है, फिर करीब रिवर्स गाड़ी।